आज ना फिर से एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सुबह की भाग दौड़ में ना बस 15 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी आसान है ना कि 15 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं, और हेल्दी इतनी है, फुल ऑफ प्रोटीन है, बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट, और बच्चों को भी ना ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। साथ ही टिफिन तो आप बना ही लेंगे, ये रेसिपी आपके ब्रेकफास्ट के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो 2-in-1 रेसिपी है, और साथ में शेयर करूंगी बिल्कुल सिंपल देसी सा अपना इंडियन टिफिन जो कि ऑफिस वाला होगा, और साथ में आज बनाएंगे बहुत ही मजेदार तीखा चटपटा टेस्टी इंस्टेंट सूजी ढोकला जिसे आप 30 मिनट्स के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे स्पेशल विद नेहा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज जो इजी टू मेक होती है, फटाफट से बन जाती है। होम एंड किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, अपने काम को करने का पॉजिटिव मोटिवेशन एंड माय डेली रूटीन। तो जी, ये जो ब्लॉग है ये है मंडे का, सुबह सुबह का टाइम है, और एज यूजुअल आ गई हूँ किचन में टिफिन बनाने के लिए। तो आज ना टिफिन में बहुत ही मजेदार रेसिपी बना रही हूँ। तो ये है हरे मूंग, जो साबुत वाली मूंग की दाल होती है ना, वो है। इसको ना मैंने रात भर सोख करके रख लिया है, और इसको अभी मैंने 2-3 पानी से ना अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको ग्राइंडर जार में एड कर देंगे, और इसके अंदर एड करेंगे हम छोटा सा टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर वो तीखा नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो मिर्च मैंने ऐड की बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। बस अब इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर आपको इसको ग्राइंड करने में दिक्कत हो ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पिस नहीं रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, और बस अब इसको ना स्मूथ पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो बस यहां पर देखिए जो मेरी दाल है वो पिसकर हो गई है तैयार। तो 2 बैचेस में मैंने इसको पीस लिया है, और दोनों बैचेस में पिसकर हो गई है तैयार। बस अब इसको ना अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, चला देंगे, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब अभी हमें इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करना है। चलिए अब इसमें थोड़े से ना मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में जाएगा इसमें नमक, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी फॉर बेटर कलर, और बस इसको कर देंगे मिक्स। हरी मिर्च हमने ऐड की है तो हम इसमें मिर्च नहीं ऐड करेंगे, और बस थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके इसको एक बार अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो ये देखिए जो हमारा बैटर है, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगे हैं इसको बनकर तैयार होने में, और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब यहां पर ले लिया है मैंने पनीर, उसको बिना हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप क्रम्बल भी कर सकते हैं, लेकिन क्रम्बल में क्या होगा ना, उसके मोटे मोटे चंक्स आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इसको बारीक वाले ग्रेटर में ना ग्रेट कर लीजिएगा। बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे, और बस ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो भी बनकर हो गई है तैयार। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको बनाने में आप खुद ही देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। 5 मिनट में भी ये सब चीजें आराम से रेडी हो जाएंगी। यहां पर ले लिया है एक पैन, इसको मैंने टिश्यू से कर लिया है साफ। थोड़ा सा जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा ना, इसमें 1 लेडर फुल भर के ले लिया है मैंने बैटर, और इसको इस तरह से ना सर्कुलर मोशन में हम फैला लेंगे। तो बहुत धीरे धीरे से आप इसको गोल गोल घुमाते चले जाइए, तो ये अपने आप अपनी राउंड शेप ले लेगा। और ये देखिए बड़ा सा हमने इसको फैला दिया है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं फैलाना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, मीडियम साइज का हमें इसको रखना है। बस थोड़ा सा ना साइड से घी लगा देंगे, वैसे तो नॉनस्टिक है पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी मैं इसीलिए इसमें हल्का सा ऐड कर देती हूँ। बस इसको दूसरी साइड से ना हम इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखिए आराम से ये निकल आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसको फ्लिप कर दिया है, अब दूसरी साइड से भी ना इसको बढ़िया से गोल्डन हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी तरफ से ना बढ़िया से सेक लेंगे, तो ऐसे घुमा के प्रेस करते हुए ना मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी। बस यहां पर कर देंगे इसको फ्लिप, और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन सिककर तैयार हो गया है। बस हाफ पार्ट में ना हम इस तरह से पनीर लगा देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था, और बस इसके ऊपर ना हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। आप चाहें तो यहां पर मिर्ची भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसीलिए इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और बस इसको कर देंगे इस तरह से फोल्ड, अब दोनों साइड से ना मीडियम लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से थोड़ा क्रिस्पी सा हम फ्राई कर लेंगे। और बस देखिए
मिनटों में ना ये जो रेसिपी है तैयार हो जाती है, कोई भी तामझाम नहीं है। अगर आप सुबह की चाहे कितनी भी जल्दी में है ना, आप इसको बहुत ही आराम से बना लेंगे। बहुत ही इजी क्विक वाली रेसिपी है और फुल ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि हमने इसमें होल दाल का यूज किया है। और जनरली बच्चे ना ये वाली दाल खाते भी नहीं है, और ये वाली दाल ना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये स्टफ चीला है बनकर हो गया है तैयार, फुल ऑफ प्रोटीन से युक्त। और अभी एक और बना लेती हूँ मैं, बस ऐसे ही सर्कुलर मोशन में घुमाकर फैला लेंगे और वापस से पनीर की स्टफिंग करके हमने इसको दोनों साइड से सेक लिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों जो स्टफ चीले हैं बनकर हो गए हैं तैयार और बहुत ही हेल्दी है। बस बीच में से कट किया और मैंने इनको टिफिन में कर दिया पैक। तो ये है आज का मेरे बेटे का सुपर हेल्दी टिफिन, बहुत ही टेस्टी था, उसको बहुत पसंद आता है ये वाला चीला, मैं कई बार बना चुकी हूँ। खैर, बेटे का टिफिन दे दिया है, वो जा चुका है स्कूल, फिर उसके बाद आई हूँ किचन में हस्बैंड के लिए टिफिन बनाने। तो आज टिफिन में ना बहुत ही सिंपल सी जो रसे वाली अरवी की सब्जी है ना, वो बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं तो मैं एक बार रफली ऐसे ही बता देती हूँ। कुकर में ऐड किया है ऑयल, थोड़ा सा हींग और अजवाइन ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम स्लिट की हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और बस इसको अच्छे से ना मीडियम लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। बस मसालों में वही रूटीन के मसाले जाएंगे, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नॉर्मल मिर्च का पाउडर और धनिए का पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। बस वही जो बेसिक से हमारे मसाले डब्बे में मसाले होते हैं वही जाएंगे, कोई और एक्स्ट्रा नया मसाला इसमें नहीं जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते चले जाएंगे देखिए, और थोड़ा थोड़ा टमाटर को ना मैश भी करते जाएंगे, जिससे बढ़िया से ना टमाटर थोड़े से सॉफ्ट एंड मशी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो टमाटर का मसाला है वो बढ़िया से भुन गया है। अब यहाँ पर ना मैंने सुबह ही अरवी को बॉइल कर लिया था और उनको गोल गोल कट करके इसमें कर दिया है ऐड। बस इसको मिक्स करेंगे और पानी ऐड कर देंगे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उसके हिसाब से, और बस कुकर की लिड को कर देंगे बंद और इसमें एक से दो विसिल लगा लेंगे, क्योंकि अरवी बॉयल ही है तो ज्यादा विसिल की जरूरत है ही नहीं। बस जब तक यहाँ पर कुकर में ना सब्जी बन रही है तब तक यहाँ पर हस्बैंड के लिए ना मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में वही जो मैंने अर्णव को टिफिन में दिया था, काफी हेल्दी है तो हमारे लिए भी वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर दोबारा से ग्रेट कर लिया है, उसमें धनिया को कर लिया है मिक्स, और वही सेम जो चीला मैंने बनाया था वही मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए भी। तो अभी बना रही हूँ चाय, तो चाय बनाने से पहले ना दूध के भगोने में से निकाल लेती हूँ मलाई। वैसे तो मैं अपने लिए सुबह बना चुकी थी तो उस टाइम थोड़ा जल्दी होती है तो मैंने मलाई नहीं निकाली, तो अभी निकाल रही हूँ। और भगोने में दूध कम है तो उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी और जितना चाय के लिए चाहिएगा उतना मैं निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मलाई को ना मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ एयर टाइट कंटेनर में, तो उससे ना जो मलाई है वो काफी फ्रेश बनी रहती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा दूध मैंने चाय के लिए निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंने अलग बर्तन में फ्रिज में रख दिया है। तो मैं सुबह ना अर्णव के जाने के साथ, जब अर्णव का टिफिन बनाती हूँ ना, उसी के साथ साथ अपनी चाय भी बना लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैं चाय ले लेती हूँ, तो कभी कभी हस्बैंड उस टाइम पर ले लेते हैं, कभी कभी वो बाद में लेते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है कि वो जरूरी सुबह ही लें। तो अभी बस उनकी चाय मैंने चढ़ा दी है और फटाफट से ये चीले बना लेती हूँ। और ये इतने आसान है सच में, 15 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, 10 मिनट में ही ना ये बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें बैटर बनाना है और पनीर को, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी किसी भी मसाले की भुनाई तो करनी नहीं है, सब कुछ ना बहुत ही रेडीमेड सा है इसमें, सिर्फ हमें जो मिक्सी में बैटर पीसना है उसी में टाइम लगेगा, बाकी तो फटाफट से ये जो चीले हैं बनकर तैयार हो जाते हैं और हेल्दी तो बहुत ही हैं। तो यहाँ पर देखिए चीला मैंने बढ़िया से सेक लिया है, उधर चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है, तो कुकर में भी सीटी आ गई थी, तो देख लेते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। तो 2-4 अरवी ना मैं इस तरह से करछी से फोड़ दूंगी जिससे इसका जो रसा है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अभी उधर चीला सिक गया था तो उसमें स्टफिंग को फिल कर देती हूँ। तो भाई बस कुछ नहीं करना है, वही पनीर की स्टफिंग करने के बाद ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है, इसको कर देना है फोल्ड, और ये देखिए हमारा बढ़िया सा हेल्दी स्टफ चीला बनकर हो गया है तैयार। और ये देखिए इधर जो अरबी की सब्जी है वो भी हो गई है तैयार, बस एक दो अरबी फोड़ दूंगी और फिर इसमें ना धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो धनिया से ना सब्जी में एक तो रौनक भी आ जाती है और स्वाद भी काफी बढ़ जाता है। तो सब्जी रेडी है, आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, सैलेड भी कट कर लिया था, और इधर हस्बैंड का जो ब्रेकफास्ट है वो भी हो चुका है रेडी, तो मैं उनको दे दूंगी।
वो अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं चाय पी चुकी हूँ। तो जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, तो हम लोग अपनी बातें वगैरह जो भी हमें करनी होती हम कर लेते हैं इधर उधर की। खैर, तो यहाँ पर हस्बैंड का जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है, और ये देखिए ब्रेकफास्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, फुल ऑफ प्रोटीन। अगर आप वेट लॉस में भी है ना तो आप इसको आराम से बनाकर खा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस जर्नी में है ना तो आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, बिल्कुल प्रोटीन पैक्ड है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा देसी इंडियन फूड हमारा रेडी हो गया है, क्विक एंड ईजी, फटाफट से बनने वाला जो 10 मिनट वाला टिफिन है ना वही है ये, जो बनकर हो गया है तैयार। तो बस यहाँ पर टिफिन तैयार है, पैक करके दे दूंगी हस्बैंड को। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और मेरा इस टाइम पर अभी जब आप देख रहे हैं सारा काम हो चुका है, चेंज वगैरह भी मैंने कर लिया है। तो आज ना बनाने वाली हूँ इंस्टेंट ढोकला, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सूजी खत्म हो गई थी, उसका पैकेट मंगाया है, तो मैंने सारी ही सूजी को छान लिया है और अब उसको ना डब्बे में भरकर रख दूंगी। तो सूजी हो, मैदा हो, बेसन हो, सबको ना मैं छान कर ही रखती हूँ, तो क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर आप छान के रख देते हैं तो जब भी बनाना होता है तो बार बार छानना नहीं पड़ता, आपकी जो सूजी मैदा बेसन है ना वो छना हुआ ही रहता है। अब यहाँ पर सारी सूजी को छानकर मैंने डब्बे में भर लिया है। अब यहाँ पर ले ली है मैंने 2 कटोरी सूजी और उसके साथ में 1 कटोरी दही और 3/4 कटोरी पानी। बस इसको इसमें कर देंगे ऐड पानी को, और इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना सेम वही हमें इसमें ऐड कर देना है बस। और अभी ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे कि ये बढ़िया से एक बैटर फॉर्म में क्रिएट हो जाए। तो बस अभी और कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, यही सब ऐड करके इसको अच्छे से कर दीजिए मिक्स, और फिर इसको ढककर रख दीजिए जब तक भी आपके पास समय हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो बस 15 मिनट के लिए रख दीजिए, 15 मिनट में भी ये बढ़िया से फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सूजी का बैटर है वो मैंने भिगो दिया है। अब जब तक ये रेस्ट कर रहा है मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो बाकी सारे काम तो निपट गए थे, कपड़े धुल गए थे, तो बस सुखाने बाकी थे। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, और आज मैंने हेयर वॉश किया था बाद में, तो हेयर वॉश हो गया है और मैंने अपने सुबह वाले जो कपड़े थे वो भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी आज ना मशीन थोड़ा लेट लगाई थी तो कपड़े देर से ही धुले थे, तो इसीलिए अभी सुखा रही हूँ। तो बस धूप में बाहर सुखा दूंगी कपड़े। और आज ना हवा बड़ी अच्छी चल रही है बाहर, पर हवा चाहे कितनी भी अच्छी चल रही हो लेकिन थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी तो है अभी, तो गर्मी अभी है थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे कपड़ों को ना उल्टा करके मैं बाहर से सुखा देती हूँ। और ये देखिए आपको पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे होंगे, कितनी तेज हवा चल रही है। तो आजकल ना काफी अच्छी वाली हवा चल रही है, अगर आप बाहर खड़े हो जाओ ना तो थोड़ा हवा में चैन सा आ जाता है, पर गर्मी भी अभी पूरी है, हुमस पूरी है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़ों को ना सुखा दिया है, तो अब ये सूखते रहेंगे। और आज हवा चल रही है तो इसीलिए सारे कपड़ों में ना मुझे चिमटी लगानी बहुत जरूरी है। तो बस कपड़े सूख गए हैं, आ गई हूँ मैं अभी अंदर। हाँ जी, तो कपड़े सूख गए हैं और सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, तो सभी रूम्स की हो गई है अच्छे से सफाई, पैसेज एरिया की भी कर दी है। और अभी ना जो हमने सूजी भिगोई थी उसका बनाएंगे ढोकला। तो कैसे बनाएंगे ढोकला, तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाएंगे मजेदार सा ढोकला। तो आज हेयर वॉश किए थे तो बाल खुले हुए हैं, तो अभी किचन में जा रही हूँ। तो पहले ना सबसे पहले बालों में कोम्ब करके ना मैं बालों को बांध लूंगी, क्योंकि किचन में काम करते हैं ना बालों का बांधना जरूरी हो जाता है। आज तो हेयर वॉश किया है तो और भी ज्यादा जरूरी है कि एक हाथ बाल ना खाने में जिससे आना जाए। तो बस यहाँ पर मैंने बालों में कोम्ब कर लिया है, क्लचर लगा लिया है और यहाँ पर रेडी हो गई हूँ मैं। और अब आते हैं वापस से किचन में और बनाते हैं सूजी ढोकला। तो उसके लिए स्टीमर को कर देती हूँ रेडी। तो मेरे पास ना ये मल्टी कढ़ाई है, तो इसमें ना इडली वाली प्लेट भी है, ढोकले वाली प्लेट भी है, प्लस एक स्टीमर भी है। तो बस इसी में ना मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो इस कढ़ाई में मैंने पानी भरकर रख दिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भगोने में या किसी कढ़ाई में पानी भरकर रख सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने स्टीमर तैयार कर दिया है पानी भरकर, और ये देखिए जो हमारी सूजी है कितनी बढ़िया से ना फूल गई है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अभी ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1/2 कटोरी पानी ले लिया है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। तो मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ किसी भी बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, ताकि आपको उसकी
कंसिस्टेंसी का अंदाजा लग पाए, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी डाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, जब तक कि ना ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ पोरिंग कंसिस्टेंसी में ये आ गया है, और ये देखिए आधा कटोरी से भी कम पानी इसमें लगा है। इसमें ऐड कर दिया है मैंने नमक अपने स्वाद के हिसाब से, और अब इसमें ऐड करूंगी मैं एक चम्मच चीनी। तो ये नॉर्मल चीनी है जो हम चाय में यूज करते हैं वही वाली, उसको कर दिया है ऐड। अब यहाँ पर है मेरे पास बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक चॉप की भी हरी मिर्च, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, नहीं चाहते आपको पसंद नहीं है इसका टेस्ट तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है बस। अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंटना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से भीग गया है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गई है इसकी, एकदम चिकना हो गया है ये पेस्ट, बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब ये है मेरे पास ढोकले की प्लेट, तो इनको ना मैं पहले ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। तो दोनों प्लेट पर ना थोड़ा थोड़ा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और उसको ब्रश से ना मैं इस तरह से फैला दूंगी। ब्रश नहीं है तो हाथों की सहायता से भी आप फैला दीजिए, मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से इसको फैला रही हूं। अगर आपके पास ये इडली प्लेट्स नहीं है तो आपके पास कोई भी इस तरह से स्क्वायर वाला बर्तन हो या फिर राउंड शेप में या फिर इस तरह की कोई प्लेट हो ना, आप वो ले लीजिए उसमें बना दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी थालियां आती हैं अगर वो है तो आप वो ले लीजिए, कोई इस तरह का कटोरा हो ना तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जैसा आपके पास सुविधा है आप उसके हिसाब से बर्तन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बैटर हो चुका है बढ़िया से रेडी, सब चीजें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक इनो, जो फ्रूट सॉल्ट आता है एक चम्मच वो कर दिया है इसमें ऐड। अब सारा ऐड करने के बाद थोड़ा सा ना पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे जिससे ये बढ़िया से ना एक्टिवेट हो जाए, और बस इसको ना इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो बस हमें मिक्स ही करना है, इनो को ऐड करने के बाद कभी भी कोई भी बैटर ना ज्यादा फेंटना नहीं होता है, नहीं तो उसके जो भी एयर बबल्स है ना वो शांत हो जाते हैं, और फिर कोई भी चीज अगर आप फूलने के लिए चढ़ाते हैं ना उसमें स्पंज कम आता है। अब यहाँ पर आधा आधा बैटर ना मैंने दोनों अपने ढोकला प्लेट के ऊपर ऐड कर दिया है, ये देखिए दोनों प्लेट में पोर कर दिया है, और इसको ना अच्छे से टैप करके फैला लेंगे ताकि ये इवनली सब तरफ से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, तीखी वाली नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है, तो कश्मीरी लाल मिर्च को ना अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है इससे, तो यहाँ पर देखिए चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर इस तरह से फैला दीजिए सब तरफ से, जिससे इवनली जो धनिया है इसके ऊपर फैल जाए। बस यहाँ पर ये ढोकले की प्लेट रेडी है, स्टीमर भी रेडी है, बस इन प्लेट्स को इसमें हम सेट कर देते हैं। ये देखिए तो दोनों प्लेट को कर दिया है इसमें सेट, ढक्कन को लगा देंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर ना इसको अब हम स्टीम होने देंगे, 10 मिनट में आराम से स्टीम हो जाएगा ये, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। अब जब तक स्टीम हो रहा है मैं बाकी का उधर से ना सारा समेट देती हूँ, क्योंकि जब भी किचन में कुकिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा तो फैल ही जाता है, तो चीजों को जगह पर रखना साथ के साथ जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने ना धनिया थोड़ा सा ज्यादा साफ कर लिया था तो ये अभी बच रहा है, तो इसको भी ना मैं चॉप करके रख दूंगी ताकि फिर शाम में ये सब्जी में यूज में आ जाएगा। तो इसको फैलाकर रख दूंगी ना तो ये सूख भी जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर रखा हुआ था ना, नहीं तो ऐसी छोड़ दूंगी तो फिर ये गल जाएगा। तो उधर धनिया को चॉप कर लिया। अब यहाँ पर ना दाल खत्म हो गई थी तो दाल मंगाई थी तो उसको भी फिल कर देती हूँ डब्बे में, और बेसन मंगाया था वो भी खत्म हो गया था तो उसको भी छान कर ना डब्बे में फिल कर दूंगी। तो अभी मंथ एंड चल रहा है तो धीरे धीरे डब्बे खाली होने वापस से शुरू हो गए हैं, तो उनको फिल करना जरूरी हो जाता है। तो कुछ चीजें मैंडेटरी हो जाती हैं, फिर बीच में ही मंगानी पड़ती हैं, जैसे दालें वगैरह क्या होती है ना, कभी कभी एक दाल दो महीने भी चल जाती है, तो कभी कभी तीन महीने भी चल जाती है, कभी वन मंथ में ही खत्म हो जाती है। तो दालें उसके अकॉर्डिंग ही आती हैं, फिर एक्स्ट्रा में मंगा के रखने से फिर फायदा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए मैं जैसे जैसे चीजें खत्म हो जाती है ना वैसे मंगा लेती हूँ, और मंथली में जो भी खत्म होता है वो स्टार्टिंग में फिर मंगा लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए बेसन मंगाया था, उस दिन लड्डू बनाए थे तो पूरा बेसन खत्म हो गया था, तो अभी बेसन मंगा लिया है क्योंकि त्योहार भी आने वाले हैं, कुछ भी नीड पड़ सकती है, तो इसीलिए इसको छानकर डब्बे में भरकर रख दूंगी। और सूजी मैदा और बेसन ना मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ ताकि इनकी शेल्फ लाइफ ना बढ़ जाए। तो बस यहाँ पर देखिए बेसन को छानकर डब्बे में भर दिया है, उसको रख दिया है फ्रीजर में। अब यहाँ पर इस बर्तन को साफ करके मैं रख दूंगी,
और यहाँ पर ना जितने भी नाइफ वगैरह लगे थे सबको कपड़े से पोंछ दूंगी, कोई बहुत ज्यादा गंदे नहीं है। और आज काफी सारे मैंने डब्बे धोए थे तो ना उनको डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी ताकि ना वो अच्छे से सूख जाएं। और यहाँ पर जितना भी मैस मचा है, जो भी बेसन सूजी सब साइड में गिरा था ना, सबको ऐसे हाथ में उठा लूंगी, क्योंकि अभी नीचे से तो सफाई हो गई है, ऐसे नीचे गिरा दूंगी तो वो पूरा पैर से छपके पूरे घर में फैल जाएगा। और ये देखिए कितने सारे डब्बे आज मैंने साफ किए हैं, तो इन सबको ना अभी डाइनिंग टेबल पर रखाऊंगी ताकि अच्छे से सूख जाएं, फिर इनमें सामान को फिल कर दूंगी। अब इतनी देर में देखिए जो ढोकला है ना वो हो चुका है स्टीम। चलिए एक बार देख लेते हैं ढक्कन उठाकर क्या हालात हैं हमारे ढोकले के, और ये देखिए कितना बढ़िया स्टीम हो चुका है। चलिए एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं। टूथपिक देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, तो जो हमारा ढोकला है बढ़िया से स्टीम हो चुका है। इसकी प्लेट्स को थोड़ा सा केयरफुली निकाल लीजिए, बहुत गर्म है और भाप भी ना बहुत गर्म गर्म आती है, तो थोड़ा ध्यान से इसको निकालिएगा। और बस यहाँ पर ना इसको अभी थोड़ी देर ना हम ठंडा होने देंगे, एकदम से कोई भी चीज ना रिमूव नहीं करते हैं जब भी हम स्टीम करते हैं, चाहे इडली हो या फिर ढोकला हो। अब थोड़ा सा रेस्ट देके ना अब इसमें लगा देंगे हम कट्स, तो जो भी साइज आपको चाहिए उस साइज के ना इसमें कट्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, वैसे भी ढोकला स्क्वायर शेप में ही होता है, तो इसमें मैंने सबको बर्फी जैसे टुकड़ों में कट कर दिया है। अब बनाएंगे इसका मजेदार सा तड़का, जिसके बिना ढोकला है अधूरा। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, तो एक चम्मच ऑयल लिया है, तो उसके साथ में ना एक बड़ा चम्मच ही मैं घी ऐड कर रही हूँ। तो आपके ऊपर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो पूरा घी और पूरा ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग ऐड किया है और थोड़े से राई के दाने, तो राई के दानों को बढ़िया से तड़कने देते हैं। तो इसको मैंने ढक दिया है ताकि राई के दाने इधर उधर स्प्लटर ना हो। ये देखिए राई के दाने बढ़िया से तड़क गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम कड़ी पत्ता और थोड़ी सी स्लिट की हुई हरी मिर्च। बस इनको हल्का सा ना फ्राई कर लेंगे मिर्ची में, और ढोकले के साथ ना ये फ्राइड मिर्ची बहुत ही मजेदार लगती हैं। बस इस तड़के को ना थोड़ा थोड़ा पोर कर देंगे ऊपर से और सब तरफ से अच्छे से फैला देंगे ताकि जो ढोकला है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले इसके फ्लेवर्स को। और बस ये देखिए इसको निकाल लेते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको एक पीस कितना मजेदार बना है। ये देखिए क्या बढ़िया मजेदार ढोकला बना है, और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में इतना मजेदार तीखा चटपटा एकदम टेस्टी, मतलब खा के ना जायका आ जाएगा। और ये देखिए स्पंज कितना बढ़िया आया है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, एनी टाइम, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में, बहुत ज्यादा हौचपौच भी नहीं है कि आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है। जब भी आपके पास दही सूजी अवेलेबल हो तो आप इसको बना लीजिए, और ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना मजेदार जो सूजी का ढोकला है बनकर हो गया है रेडी, और खाने में ना बहुत ही मजेदार लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। 30 मिनट्स के अंदर ना ये बनकर तैयार हो जाता है। 15 मिनट्स इसको रेस्टिंग टाइम चाहिए और 15 मिनट्स में ना इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो 30 मिनट्स में ना इस ढोकले को आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, चाहे इवनिंग स्नैक्स हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, इवन अभी रक्षाबंधन आ रहा है, अगर आप नाश्ते में रखना चाहते हैं ना तो पहले दिन इसको बनाकर रख लीजिए, तो नेक्स्ट डे के लिए आप सॉर्टेड रहेंगे कि मुझे नाश्ते में क्या सर्व करना है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ना वैसे ही इतना हौचपौच रहता है, काफी सारी जगह हमें भी जाना होता है और हमारे घर भी गेस्ट आ रहे होते हैं, तो इस चक्कर में ना चीजें ऐसी चाहिए होती हैं जो इंस्टेंट हो। तो इसको आप पहले दिन बनाकर रख लीजिए और नाश्ते में सर्व कीजिए, बहुत ही मजेदार लगता है। और आज का जो ये व्लॉग है यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी ऑलवेज।